सही, मैं पुलकित बोल रहा हूँ। अब कोई मुझे ढूंढने की कोशिश ना करे। मेरे लिए अब ये देवयानी वाला चैप्टर क्लोज हो चुका है। ये मेरी और सवान परिवार के बीच की लड़ाई है। तुम्हें इस सब में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आज से 10 साल पहले महाशिवरात्रि के दिन मैंने और देवयानी ने शिव पार्वती को साक्षी मानकर मंदिर में शादी की थी। हमारी फिर से धूमधाम से शादी होगी और मैं सारी दुनिया के सामने अपनी देवयानी को अपने साथ ले जाऊंगा, ठीक उसी तरह जैसे वो चाहती थी। इस परिवार ने देवी ताई की भलाई के लिए जो कुछ भी किया है उससे कुछ भला तो हुआ नहीं है, तो क्यों ना ताई के जिंदगी के फैसले अब से उन्हीं को लेने दिए जाए। एक बार ताई को भी अपने दिल की सुनने देते हैं। मैं भी अपनी देवी ताई को उनके हिस्से की खुशियां दिलवा कर रहूंगा। सही, मैंने ये फोटो तुम्हारी कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस से ली है। उसमें एक ही चीज लिखी है कि पुलकित शादीशुदा है और उसकी पत्नी का नाम संगीता देशपांडे है। अब देवी ताई और पुलकित की शादी हरगिज नहीं होगी। क्या हालत बना के रखी है तुमने सही? हाँ? रोना मत, बिल्कुल रोना मत, एकदम चुप। खाना खाओ। मुझे नहीं खाना है, मुझे भूख नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। घर में सबने मुझे कितना समझाया, याद है कि विराट सर ने मुझे बोला भी था कि मैं पुलकित सर की बातों पे भरोसा नहीं करूं, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। पुलकित सर के लिए मैंने आपको भी दुख पहुंचाया। आपने मुझे कहा था पुलिस स्टेशन नहीं जाओ, लेकिन मैं गई। आपने मुझे कहा था सीधे घर वापस आ जाओ, लेकिन मैंने आपका फोन काट दिया। मैंने आपकी बात नहीं मानी। I'm sorry, आपको बुरा लगा होगा ना? हाँ, बुरा लगा था, मगर इतना नहीं जितना अभी तुम्हारे ये आंसू देख के लग रहा है। सही, तुम चाहती हो कि मुझे और बुरा लगे? तो फिर खाना खाओ। आ, आ। मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। सही, माफी मुझसे नहीं बेटा, देवयानी से मांगो। पुलकित मुझसे प्यार नहीं करता, पुलकित ने मुझे धोखा दिया ना। सही, पुलकित ने झूठ बोला, पुलकित धोखे बाज है। भरोसे की उम्र जितनी ज्यादा होती है ना बेटा, टूटने का दर्द उतना ही ज्यादा होता है। सही ने बोला था कि शादी होगी। देवयानी ने तुम पर भरोसा किया, तुमने उसे पुलकित के साथ शादी का सपना दिखाया, उसकी सोई हुई उम्मीदें फिर से जग गई। नतीजा तुम देख रही हो, तुम्हें घर में सबने समझाया लेकिन तुमने किसी की नहीं सुनी। देवयानी की हालत और भी बिगड़ गई।
ताई को इतनी तकलीफ देकर किस मुंह से उनके पास जाऊंगी? क्या बोलूंगी उन्हें? क्या कह रही थी सही? काकू, मैं पुलकित सर और दिव्यानी ताई की शादी तो करवा के ही रहूंगी। आली मुट्ठी आ गई ना लाइन पर, शादी करवाने का भूत उतर गया ना उसके सर पर से। वो तो उतरना ही था वहीनी, आपसे जो टकराने चली थी। लेकिन वहीनी मानना पड़ेगा आपको, हालात जितने ही मुश्किल होते हैं उतना ही बढ़िया प्लान बनाती हैं आप। बिल्कुल सही बोल रहे हो दादा, और वहीनी के इस प्लान का फल भी हमें मिल गया। लेकिन एक बात सच बोलूं, उस सही के पुलिस स्टेशन जाने की बात सुन के मैं तो घबरा गया था, मुझे लगा हम फंस गए। लेकिन निनाद दादा ने उसका भी क्या बढ़िया तोड़ निकाला है। वो कहते हैं ना, शेरनी के साथ रहोगे तो शिकार करना सीख ही लोगे। मेरे साथ रहकर तुम दोनों भी शातिर और अक्लमंद हो गए हो। आज जब सही ने कहा कि हम सही हैं और वो गलत, आज सांगू तुम्हाला सीने में ठंडक पड़ गई। ओ बहनी, सही अब पुलकित और देवयानी की शादी के बारे में बोलना तो दूर, सोचना भी छोड़ देगी। उसके पास और चारा भी तो क्या है। चलो अच्छा, ये सब होली से पहले खत्म हो गया। अब हर साल की तरह इस साल भी होली हम धूमधाम से मनाएंगे। हाँ, अगर मेरा फोन मेरे पास आ जाए तो मैं किसी को हेल्प के लिए मैसेज कर सकता हूं। केसरी हो भाऊ, पाटली आनंद दे रे। हे गया तुमची बॉटल। ये तो भी रे, मुझे माफ कर दीजिए, आपकी सारे की जिम्मेदार मैं हूं, सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। मैंने आपको कहा था कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, आपकी खुशियां चाहती हूँ, लेकिन देखिए ना, मैंने आपको सिर्फ दुख दिया है। आपकी जिंदगी में पुलकित सर को वापस ले आए, आपकी उम्मीदें जगाई, सच बोलूं देवी ताई, मुझे अभी भी नहीं पता
कि पुलकित सर सच्चे हैं या धोखेबाज। मैं तो अब बस विराट सर का इंतजार कर रही हूँ। एक बार वो आ जाएंगे तभी पता चलेगा कि सच क्या है और झूठ क्या। सही को मैसेज करूं या माधुरी को? मेरे फोन से सही को मैसेज किया गया है। सर, काकू आपसे मिलना चाहती है। मैं भवानी काकू से नहीं मिलूंगा। पहले सही का मैसेज आया है कि मुझे भवानी काकू से मिलने बुलाया है, और फिर मेरी तरफ से मैसेज गया है कि मैं उनसे नहीं मिलूंगा। लगता है मेरी किडनैपिंग मुझे झूठा और मक्कार साबित करने के लिए हुई है। कहीं मेरी किडनैपिंग के पीछे सवान परिवार तो नहीं? वही होंगे, उनके सिवा मेरी किडनैपिंग से और किसको फायदा हो सकता है। मतलब मेरा शक सही था, मुझे जवान परिवार ने ही किडनैप करवाया है। मुझे सही को बताना होगा कि मेरे फोन से आए मैसेजेस झूठे और गलत हैं। लेकिन इतने सारे मैसेजेस पढ़ने के बाद वो मेरे एक और मैसेज पर यकीन क्यों करेगी? अगर मैं सही को वीडियो मैसेज भेजूं तो? उसकी से मुझे इतने सारे मैसेजेस कर रहे, क्यों? हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? पुलकित सर तो सच में किडनैप है। लगता है सही ने मैसेज देख लिया। चलो डॉक्टर साहब, चाय पी लो। देखो ये डॉक्टर के पास इसका फोन कैसे आया? ये देखो दादू, पता नहीं ये फोन इसके पास कैसे। क्या करूं, क्या करूं? काकू को ये मैसेज दिखाती हूँ, ये वीडियो दिखाती हूँ कि पुलकित सर भागे नहीं है।
उनका किडनैप हुआ है। क्या रे, ये आंखें क्या शोपीस के लिए लगवाई है? हैं? यहाँ बंदे बंदे उसके हाथ में फोन चला गया और तुम खुले सानों को पता तक नहीं चला, कैसे? सारे वीडियो ये डॉक्टर के फोन से भी डिलीट और वो सही के फोन से भी गायब। शुक्र मना कि चौहान साहब ने तेरे को उठाने के लिए 5 लाख रुपए दिए हैं। अगर जान से मारने का हुक्म दिया होता ना तो तेरी इस हरकत के लिए तेरी जिंदगी के पासपोर्ट पर मौत का वीजा लगा देता मैं अभी के अभी। याद रख, अगर ये गलती दोबारा हो गई ना यही गाड़ दूंगा साले। मतलब मेरा शक सही था, मुझे जवान परिवार ने ही किडनैप करवाया है। क्या पुलकित ने सही को वीडियो मैसेज भेजे? अरे ऐसे कैसे मैसेज भेजे उसने, जब से उसको उठाया उसका फोन तुम्हारे पास था ना। मतलब वो पहले के मैसेजेस भी पुलकित सर ने नहीं बल्कि किडनैपर ने भेजे थे। अरे मेरे पास ही था भाऊ उसका फोन, पता नहीं कैसे गलती से गिर गया और उसने पैर से वीडियो बना के वो सही को भेज दिया। नीनाद, ओमी, अगर सही ने वो वीडियोस देख लिए तो हमारा सारा खेल खत्म। लेकिन मैंने वो सारे मैसेजेस डिलीट कर दिए। उम्मीद है कि पुलकित के भेजे मैसेज सही ने देखे ना हो। और अगर उसने देख लिए होंगे तो मैं सही के कमरे में जा रही हूं, देखती हूं उसे कहीं कुछ पता तो नहीं चल गया। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.